एटा में तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर हो गई है। इस हादसे में एक परिचालक की मौत हो गई है जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह हादसा मालवण थाना क्षेत्र के सैथरी चौकी का है। आपको बता दें कि सड़क के किनारे खड़ी खराब रोडवेज बस में पीछे से आ रही कन्नौज डिपो रोडवेज बस ने टक्कर मार दी है जिसमें महिला और बच्चों समेत करीब 12 लोग घायल हो गए हैं। वहीं परिचालक की मौत हो गई है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लखनऊ से दिल्ली जाने वाले हाईवे पर मलावन टोल प्लाजा से थोड़ा आगे सैथरी पुलिस चौकी पड़ती है, वहाँ पर सिकंदराबाद डिपो की बस खड़ी हुई किसी तकनीकी थोड़ी सी खराबी के कारण। पीछे से कन्नौज डिपो की बस आ रही थी जिसने उस गाड़ी में टक्कर मारी। अभी प्रारंभिक जो जिला हॉस्पिटल में हम लोगों ने यहाँ पे काउंटिंग कराई है तो 11 सवारियाँ घायल हैं जिसमें से 6 को आगरा के लिए रेफर किया गया है, 2 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है और 1 पैसेंजर की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था करके सारे जो इसमें घायल हैं उनके इलाज की बेहतर से बेहतर व्यवस्था कराई जा रही है। एक्सीडेंट की क्या वजह रही है सर? अब एक्सीडेंट की असली वजह अभी छानबीन से स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल प्रारंभिक रूप से यह बात सामने आ रही है कि सिकंदराबाद डिपो की जो बस थी किन्हीं कारण बस वहाँ सड़क पर रुकी है और रुकने पर पीछे से कन्नौज डिपो की बस आकर टक्कर मारी है। इतनी जानकारी अभी तक पूरा कंफर्म होगा। और बात करेंगे संवाददाता सचिन यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन क्या जानकारी? सड़क भीषण हादसे में अभी तक एक दर्जन लगभग लोग घायल हुए हैं। इसमें एक की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। पूरा मामला हाईवे स्थित सैफ्टी गांव है मलावन थाना क्षेत्र में वहां हुआ है। बताया जा रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते एक सिकंदराबाद डिपो की बस सड़क पर खड़ी थी जिसमें तेज रफ्तार कन्नौज डिपो की बस ने पीछे टक्कर मार दी जिससे लगभग एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं महिलाओं और बच्चों समेत। वहीं एक परिचालक की भी इस मौके मौत हो गई है। परिचालक की शिनाख्त नोएडा निवासी अंकित अग्रवाल के रूप में हुई है। वो आपको बता दें कि वहीं पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू करके सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था जहां करीब आधा दर्जन से अधिक घायलों को हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में सभी घायलों को उपचार के लिए पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया है। अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है जिनकी आगरा इलाज के दौरान मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है कितने लोगों की और मौत हुई है, लेकिन एक पुष्टि हुई है पुलिस की आधारित तौर पर इसमें एक परिचालक की मौत होना पाया गया है। जी ठीक है सचिन, शुक्रिया करेंगे आपका जानकारी को साझा करने के लिए।